आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ साइनिंग्स के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ ऐसे साइनिंग से लिंक्ड है जिससे वो अपनी टीम को और मजबूत और पुख्ता बना सकते हैं। पिछले कुछ सालों से जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो हालत रही है उसको देख के सब लोग उनकी बुराई जरूर करते हैं। उनके क्लब की जो है थोड़ी सी इमेज पहले से बहुत डाउन हो चुकी है। जो एलेक्स फर्गुसन के टाइम पे उन्होंने जिस तरीके की ट्रॉफीज उन्होंने उठाई थी, लेकिन इस अभी कुछ टाइम से वो जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है कुछ अपनी जो साइनिंग्स करे इनियोस ग्रुप के अंदर, तो शायद वो क्या अपने जो ट्रांसफर मार्केट में जो वो साइनिंग में जो लगे हुए हैं क्या वो उससे अपनी टीम को और मजबूत बना लेंगे। आइए इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो अभी दो साइनिंग से लिंक्ड है। सबसे पहले मैनुअल उगाटे। मैनुअल उगाटे जो है एक उरुग्वे के प्लेयर है। मैनुअल उगाटे जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे खेलते हैं वो, और जो उनकी एबिलिटीज है बॉल प्रोग्रेसिंग और डिफेंसिव एबिलिटीज जो है उनके पास वो बहुत कमाल की है। और उनके पास जो आईक्यू है फुटबॉल आईक्यू बहुत कमाल की है। उन्होंने जिस तरीके से पीएसजी में परफॉर्मेंस करी थी, जरूर उनको इतना गेम टाइम पीएसजी में मिला नहीं, लेकिन अभी फिलहाल वो एक अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर उभर रहे हैं। उसके बाद की जो इनकी दूसरी जो ट्रांसफर र्यूमर है और शायद वो कंफर्म भी हो जाए वो है डे लिच्च। वो पता नहीं कब से चल रही है इनकी साइनिंग, लेकिन सेंटर बैक के तौर पे बायर्न म्यूनिख से ये प्लेयर है। और बहुत अच्छी ये साइनिंग होगी क्योंकि डे लिच्च को हम सबको जानते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से नीदरलैंड में परफॉर्मेंस करके दिखाई थी उस टीम को जो पुख्ता इस टीम ने पुख्ता किया था वो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। और जो डे लिच्च की जो डिफेंसिवली एबिलिटीज है वो इस टीम को डिफेंसिवली सॉलिड बना सकते हैं। तो डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे वैसे इनके पास कैसेमिरो है। कैसेमिरो अच्छे मिडफील्डर थे लेकिन पिछला उनका साल जो है बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, इसलिए कि उनको चाहिए थी साइनिंग। और उगाटे एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो शायद इस टीम को डिफेंसिव मिडफील्डर के में अच्छी मदद प्रोवाइड कर सके। और अगर हम सेंटर बैक्स की पेयरिंग की बात करें, इनके पास लिजेंड्रो मार्टिनेस है, जरूर एक अच्छे है। और उन्होंने भी जिस तरीके से अर्जेंटीना में खेला है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वर्क किया। राफेल वेरान है, हैरी मैगवायर क्योंकि अभी इंजर्ड है, तो इनको एक ऐसी साइनिंग चाहिए थी जो कि इस टीम को और ज्यादा मजबूत बना सके। और जो उन्होंने अभी साइनिंग्स करे जैसे लेनी योरो की साइनिंग वो बहुत कमाल की साइनिंग थी। और उसको शायद ये टीम और उसमें मैंने देख कल का मैच अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से लेनी योरो ने प्रदर्शन करके दिखाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ प्रदर्शन था। तो यही कुछ साइनिंग्स है जिससे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिंक्ड है और एक दो साइनिंग वो कर भी चुके हैं। तो उसके अलावा जो एक और जो अपडेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड में कि जो इनके स्टार प्लेयर थे वो कुछ इनके स्टार प्लेयर जो है वो वापसी आ चुके हैं। जो डॉर्टमुंड के लोन थे जॉर्डन सैंचो, वो जॉर्डन सैंचो वापसी आ चुके हैं। और जॉर्डन सैंचो इस टीम के लिए एक बहुत अच्छी कारगर साबित हो सकते हैं। हमने जैसे खबरें सुनी थी कि टेनहैग और जॉर्डन सैंचो के बीच में आपस में बनती नहीं है, लेकिन अब वो उन्होंने कहा है एरिक टेन हैग ने कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को नीड है एक प्लेयर की, तो हमें आपस में जो अपने जो पास में हुआ उसको भुला के अब हमने नई शुरुआत करनी चाहिए। तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अब फाइनली अब वो किताब जीतने के लिए आगे बढ़ रही है और कुछ अपने साइनिंग से वो क्या अपनी टीम को और पुख्ता बना रहे हैं। आपका क्या मानना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।